हरियाणा के बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है, जिसके बाद कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। हर जगह कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल के कमेटी चौक पर कांग्रेसियों ने लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज की भारी बहुमत से जीत हुई है, जिसके चलते करनाल के कमेटी चौक पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सरदार त्रिलोचन सिंह के नेतृत्व में भारी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल लगाड़े बजाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान लड्डू बांटकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जीत का जश्न मनाया गया। सरदार त्रिलोचन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौजूदा हरियाणा सरकार लोगों के बीच कितनी लोकप्रिय है। उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की मेहनत को जीत का मुख्य कारण बताया है। इस अवसर पर उनके साथ कांग्रेस पार्टी के जिला सचिव अशोक खुराना, पूर्व पार्षद उषा, विजेंद्र सैनी, परमजीत भारद्वाज समेत कई मौजूद रहे। उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को कहा दिया कि अब वो बीजेपी सरकार से बहुत दुखी है, जो गठबंधन की सरकार है उसे दुखी है और उनके सारे जो कार्य उनके सामने आ रहे हैं। और आप देखना, आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है। कांग्रेस में भारी मतों से आने वाले इलेक्शनों में कांग्रेस जीतेगी। जिस तरह किसान दुखी थे, किसान सड़कों पर थे, कहीं ना कहीं देख रहे हैं किसानों कितने तराई तराई हो रही है, किसानों में किसान कितने परेशान है, आड़ती है, राइस मिलर हैं, सभी लोग जो हैं वो बहुत परेशान। उन्होंने अपना बड़ौदा के अंदर ये दिखा दिया। तो हरियाणा की जनता उपचुनाव जीते हैं, ये मौजूदा सरकार के कफन में आखिरी तीर साबित होगी, क्योंकि हर तरह के हथकंडे अपनाने के बाद बड़ौदा के अंदर जो लोगों ने इनको नाराजगी दिखाई है, जो तीन अध्यादेश किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी हरियाणा के अंदर सब इनसे नाराज हैं, उसी को लेकर बड़ौदा चुनाव ने जो फैसला दिया है, जो वहां के जनमन ने फैसला दिया है, उसे साफ होने रहता है कि आने वाला जो समय है इनके स्थितियों के विपरीत है। लोग इनकी कार्यवाहियों से खुश नहीं है। आने वाला जो समय है कांग्रेस का है, ये मौजूदा सरकार के कफन में आखिरी कील साबित। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, इनके जो सांसद थे, विधायक थे, यहाँ तक कि जो करनाल के पार्षद थे जिनकी जानकारी हमारे पास है, वो भी वहाँ पर प्रचार के लिए गए थे, फिर भी जीत नसीब नहीं हुई, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, लोगों ने उनके मुखिया को सिरे से नकार दिया था, चाहे वो मनोजी कटर हो, चाहे वो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष हो, जी लोगों ने उनको पूरी तरह नकार दिया था। जीत मुबारक हो जी। इसी वजह से वहाँ पर इनकी दाल नहीं गली। इन्होंने चाहे जितना मर्जी जोर लगाया, लेकिन इनकी दाल नहीं गली, क्योंकि झूठ की हंडी ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी, आप करनाल में तो लोगों को जो विकास कर रहे हैं या जो वादे हैं पूरे नहीं कर सके, बड़ौदा के लोगों को आपने झूठ बोला जाकर कि मैं विकास कार्य कराऊंगा, साफ नजर आता है कि विकास करो कि नहीं, आप सिर्फ भाई भाई को लड़ाकर इलेक्शन जीतना चाहते थे। लोगों ने आपके खिलाफ मोहर लगाई है, समय रहते चेंज चाहिए, लोग आपके खिलाफ हो चुके हैं, आने वाले समय आपके खिलाफ। पूर्व पार्षद किस तरह देख लो, जड़ी है जीत दे हार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.